Subscribe and press the bell icon to never miss another update from Technolexia. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपका अपने चैनल टेक्नोलेक्सिया पर स्वागत करता हूं। आज हम अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि है रियलमी का X2। यहां पे हमें फ़ोन का जो बॉक्स है उसका ओवरव्यू देखते हुए यहां पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहां पे बॉक्स, और यहां पे आप देख सकते हैं कि मेड इन इंडिया का भी यहां पे टैग लगा हुआ है। हमने यहां पे 6GB 128GB वाला वेरियंट खरीद रखा है जो कि 19,999 का पड़ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है तो वैसे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं इसमें, बट यहां पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वीडियो में, तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहे। Realme X2 यहां पे Snapdragon 730G के साथ आता है और साथ ही साथ VOOC चार्जिंग के साथ भी। तो अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग इस फोन की और देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट हमें इसको देखने को मिलते हैं इस बॉक्स में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नोट मिलता है Realme की तरफ से जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू द Realme फैमिली। इसके बाद हम अंदर देखें तो हमें मिलता है एक केस जो कि मतलब हाँ अच्छा दिख रहा है, और इसके केस को देख के भी पता चल रहा है कि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है हमें, और पीछे ऑब्वियसली हमें ग्लास बैक देखने को मिल रही है। उसके बाद है कागज़ पत्तर कुछ जो कि हमारे इतने काम के हैं नहीं, बट ठीक है इसको रख देते हम साइड में। और इसके बाद मेन जो डिवाइस है जो कि पर्ल ग्रीन कलर में हमें मिला है, बहुत फेमस हुआ था ये इसमें, तो इसको साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमें देखते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा VOOC चार्जर जो कि रियलमी की तरफ से है, मतलब हथौड़ा टाइप दे रखा है इन्होंने और ब्रांडिंग येलो येलो कलर के अंदर कर रखी है इन्होंने। बट दिक्कत की बात है यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है इस पर, और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना को लेके, तो इसमें ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज है जो इस फ़ोन से प्रोवाइड हो रहा है हमें। तो पर ठीक है, जल्दी चार्ज करके दे रहा है तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद हमें मिलती है एक डेटा केबल जो कि टाइप सी की है, और इसमें भी ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है। मैं आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी ब्रांडिंग वगैरह कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कलर की एक ब्रांडिंग अंदर से दे रखी है जो कि मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा फील करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं रियलमी वाले, और बहुत ही अच्छी केबल है, 1 मीटर के करीब की होगी जिसमें आप आराम से अगर बैठ के चलाना भी चाहे तो चला सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है सिम टूल किट, ऑब्वियसली फ़ोन के ट्रे को खोलने के लिए, सिम ट्रे को खोलने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम डिवाइस की जो कि ऑब्वियसली बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे हमने फ़ोन को खोला है तो बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है यार, मतलब एकदम मस्त। और पीछे भी ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5, आगे भी ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दोनों साइड दे रखा है। यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, और उसके बाद हमें देखते हैं को मिलता है 8 मेगापिक्सल के कैमरा, फिर 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा। नीचे हमें मिलता है टाइप सी का पोर्ट, 3.5mm जैक, नॉइस कैंसिलेशन और स्पीकर का ट्रे। उसके बाद ऊपर भी एक नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, साइड में पावर बटन। इसमें एक चीज़ है कि वॉल्यूम को और पावर बटन को एक साइड नहीं रखा है इन्होंने, वॉल्यूम कीज़ को साइड में रखा है एक साइड। और ऊपर हमें सिम ट्रे देखने को मिलती है जो कि ठीक है, मतलब थोड़ा डिज़ाइन में थोड़ा चेंज वेंज किया है इन्होंने, वरना मैक्सिमम टाइम जो वॉल्यूम वगैरह होते थे वो हमारे इसके साथ ही होते थे। तो इसका हैंड्स ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम फ़ोन बहुत ही लाइट फील हो रहा है, प्रीमियम क्वालिटी दे रहा है 20,000 रुपीज़ में, ये मतलब एक बहुत ही अच्छी फील प्रोवाइड करा रहा है। डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे हम देख के जैसे मैंने सिम ट्रे का बोला था आपको, 128GB का पहले से ही है, और यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का एक और स्लॉट दे रखा है, तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थिंग है क्योंकि यहाँ पे मेमोरी की कोई कमी नहीं होने वाली, 128GB पहले से ही दे रखा है, ऊपर से एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी, दिस इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे अब इस फ़ोन का फर्स्ट लुक जो है रियलमी UI के साथ वो देख लेते हैं एक बारी कि कैसा है। बूटअप कर दिया है, बूटअप होने में फर्स्ट टाइम बूटअप होने में बहुत टाइम लगा था इसे। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि इस फ़ोन के साथ सबसे पहले कलर OS आता है, मैंने इस फ़ोन को यूज़ कर लिया था तो मैंने अपडेट करके इसको रियलमी UI पे ले आया हूँ, ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग है। और यहाँ पे ये चीज़ है फिंगरप्रिंट डिस्प्ले जो कि अंदर की ओर दे रखा है इन्होंने, बहुत ही प्यारा चीज़। और यहाँ पे अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो फीचर्स वगैरह है मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब सबसे पहली चीज़ जो रियलमी UI में सबसे ख़राब है वो है ब्लोट वेयर्स, वो उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रियलमी UI है वो बेस्ड है एंड्रॉयड 10 के ऊपर। येस, इट इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 रियलमी UI जो अभी आया है हमारे पास जस्ट। इससे पहले आपको कलर OS देखने को मिलेगा तो वो थोड़ा बहुत ठीक था, बट रियलमी UI इज़ रियली गुड देन कलर OS। और यहाँ पे अब मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी ब्लोटवेयर्स की,
वो करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इस Realme UI में यार लिटरली ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऐप्स दे रखे हैं जो कि बैन भी हो रखे हैं और अपडेट होने के बाद भी आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक गंदी सी चीज़ लगती है, फालतू के ऐप्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे बैंड ऐप्स हैं उनको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं इजिली, बट यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जैसे मार्केट है और गेम सेंटर है और इसके अलावा एक ब्राउज़र है जो कि हम अनइंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा हो रहा है। बट हमारे पास एक ट्रिक है जो आप कर सकते हो यूज़ और उसके बाद देख सकते हो कि हाँ अगर आपको ये ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल करने अपने फ़ोन से, यू हैव टू अनइंस्टॉल इट थ्रू योर पीसी। सो वो ट्रिक्स भी हम आपको बता सकते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि ये हेलो ऐप मैंने जस्ट अभी अनइंस्टॉल किया है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि अनइंस्टॉल हो रही हैं, बट द मेन इशू इज़ जो ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं हो पा रही, बट 128 GB इट इज़ सफिशिएंट। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के वेरिएंट्स के बारे में। तो ये फ़ोन आता है एक्चुअली 3 वेरिएंट्स में, पर्ल ग्रीन, पर्ल वाइट एंड पर्ल ब्लू। इसमें आपको मिल जाता है 730 स्नैपड्रैगन, जिसमें आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हाईलाइट करके कि 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपका फ़ोन एक घंटे में 4000 mAh की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 20,000 की रेंज में फ़ोन्स आए हैं उसमें और इस फ़ोन में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि इसके ऊपर आपको मिलता है AMOLED स्क्रीन। जी हाँ, AMOLED स्क्रीन का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे आपको और जो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, आप जितने भी मेमोरीज जानते होंगे ना उस वेरिएंट्स में ही आपको फ़ोन मिल जाता है देखने को। तो इसमें आपको रैम देखने को मिल जाती है 4 GB की, 6 GB की और 8 GB की भी। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे नया एक अपडेट आया है फ्लिपकार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है कमिंग सून का। तो इसमें जो रोम है आपको वो मिल जाती है, स्टार्टिंग जो बेस वेरिएंट है वो है 64 GB का, मीडियम वेरिएंट आपको मिल जाता है 128 GB का, और अब एक नया वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया है जो कि शायद अभी कमिंग सून दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पे, वो है 256 GB का। दिस इज़ इनसेन यार, डेडिकेटेड आपको एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दे रहे हैं, ऊपर से आपको रोम भी इतनी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेमोरी की तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कमी नहीं मिलने वाली इस फ़ोन में। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, जो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया था कि इसमें 730G का जो प्रोसेसर है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें 730G का प्रोसेसर। ये स्नैपड्रैगन की तरफ से ऑफिशियल है कि ये प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर है, और साथ ही साथ ये बैटरी लाइफ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। 5-6 घंटे तक अगर आप पबजी खेलते हो तो ये बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया दे देता है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। ऊपर से आपको 30 वॉट का चार्जर तो मिल ही रहा है, तो 1 घंटे में चार्ज करके आप वापस खेलना शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो फोन 20,000 में प्रोवाइड किया रियलमी X2 ने, इट्स वंडरफुल। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा UI के बारे में, या कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कैमरा बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा मेरे को तो देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UI जो है बहुत ही ऑर्डिनरी है, सिंपल है। ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं इन्होंने, पोर्ट्रेट का है, फ़ोटोज़ का है, 64 MP का डेडिकेटेड एक अलग से इन्होंने ऑप्शन दे रखा है फ़ोटो खींचने के लिए। बट हाँ, जो यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह है देखने को लिए बड़ी मिनिमलिस्टिक टाइप सी है, बहुत ही कम है, ज़्यादा खींच नहीं रखा है इन चीज़ों को, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को देखने में। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी जो कि मेरे को बहुत ही ऑसम लगी, जैसे कि ये सुबह 6 बजे की फ़ोटो है जो मैंने सुबह उठ के ली थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेलिंग सैचुरेशन जो आपको फ़ोटोज़ देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया 64 प्राइमरी मेगापिक्सल से जो कैमरा से फ़ोटो खींचने का किया था मैंने यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जो कैमरा होता है ना वो देखने को मिला है बैक का। आगे हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसके हम डिटेल्ड रिव्यू कैमरास के ऊपर डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है, वो है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। तो थोड़ा बहुत हम एक बार वीडियो में सुन के देख लेते हैं कि किस तरह से ऑडियो आ रही है। तो मैंने अपने टेक्नोलक्ष्य चैनल की ही वीडियो चलाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही यार मस्त एकदम ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बिल्कुल ही बढ़िया एकदम क्वालिटी सुनने को मिली, और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट वो भी 20,000 के फ़ोन में, यार इट इज़ लिटरली, ये फ़ोन को जितना मैं एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ ना उतना मेरे को मस्त चीज़ें देखने को पता चल रही हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ फीचर्स पहले ही बता दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह का फीचर्स दे रखा है, पर फीचर्स से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो हम वैसे ही अलग से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ज़्यादा फीचर्स देखे नहीं क्योंकि फ़ोन अभी जस्ट आया ही था और मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लग गया था,
तो थोड़ा टाइम लग गया मेरे को इसमें फीचर्स वगैरह के बारे में, बट हाँ यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि पिक्सल का लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गूगल का जो बार है सर्च बार वो नीचे की ओर है, और स्वाइप अप करके या बैक करके हम जेस्चर से कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स भी मांग रहे हैं कि स्मार्ट असिस्टेंट चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा मैं फिंगरप्रिंट जो मैंने आपको बताया था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो उसका एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। AMOLED स्क्रीन के बारे में तो मैंने आपको दिखा भी दिया और बता भी दिया है पहले से ही। इसमें एक और फीचर है जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, और मुझे लगता है यह सबके लिए इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वो है डेटा प्राइवेसी का। तो इसमें एक एडिशनल एक ऑप्शन है जो मेरे को पता चला है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाने की सोच रहा हूँ, मैं बनाऊँगा भी। और उस ऑप्शन को टॉगल करने से जितने भी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जोन सी भी एप्लीकेशन है, वो मेरा डेटा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रियलमी UI में देखने को मिली मेरे को। और लिटरली ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर कोई फ़ोन प्रोवाइड कराता है तो ऑब्वियसली ना मन ऐसे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि हाँ यार ये फ़ोन वर्थ इट है। अगर मैं 20,000 रुपीज़ दे रहा हूँ किसी फ़ोन के लिए, 20,000 रुपीज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो लिटरली मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस फ़ोन से कि कुछ तो ऐसी चीज़ हो जिससे मैं 20,000 रुपीज़ दे रहा हूँ उस फ़ोन को। तो लिटरली दिस फ़ोन किल्स इट 20,000 रुपीज़ की रेंज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट का मैं एनिमेशंस वगैरह चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिस्प्ले बहुत ही तगड़ी तरीके से चलता है यहाँ पे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खोल देता है फ़ोन को। अब इस फ़ोन के और भी और कंक्लूजन के बारे में बात करूँ तो यार मतलब मेरे को तो मस्त लगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको भी खरीदना हो तो खरीदना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माई नेम इज़ अभिषेक, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाओ जिससे हमारी सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।